Hey guys, welcome back to my channel Vidyat. In the video, if you're new to my channel and seeing this face a very first time, so hi, my name is Tania Jaiswal. I'll be really happy if you take a moment and subscribe down below and also hit the bell button which is beside the subscribe button to get notified when I upload my new video. And also you can follow me on my social media accounts. The link is right here. So you can follow me there and you can see some good pictures there as I'm really active on Instagram account. And aaj ka video hone wala hai bahut zyada fun and interesting. So jo aap makeup look dekh rahe ho mere face pe, ye maine 5 minutes ke makeup hacks ko use karke kiya hai. And main isme aapko jo bhi makeup hack try karungi उसको मैं पॉइंट्स भी कर दूंगी. सो अगर आप थोड़े क्यूरियस हो कि कैसे मैंने हम लोग अचीव किया, क्या क्या मैंने हैक्स ट्राई किए, सो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए. काफ़ी मजा आई मेरे को ये हैक्स ट्राई करने में. एंड काफ़ी यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं इसके, सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी. सो मैंने बहुत ही ज़्यादा फन हैक्स प्राइम मिनिस्टर क्राफ्ट के उठाए हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सॉरी, सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पॉइंट्स की लाइट मॉइस्चराइजर. बज रहे हैं रात के 10:30. सो मैं सनस्क्रीन तो नहीं लगाने वाली बिकॉज क्योंकि मेरे को ये मेकअप निकालना ही है अभी थोड़ी देर में. बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाना. बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर. सो यहाँ पे मैं अपना 5 मिनट्स मेकअप का मैं एक मेकअप हैक यूज़ करने वाली हूँ जो कि उन्होंने, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिया है एक बलून और बलून को ब्यूटी ब्लेंडर की तरह से उन्होंने अपने फाउंडेशन या तो फिर कंसीलर जो भी है वो उसको ब्लेंड किया है. सो ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन भी ब्लेंड करता है और कंसीलर भी. सो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज कंसीलर, दिस रिवाइंडर कंसीलर. एक बलून जैसे कि आप देख सकते हो, और मैंने इसे वेट कर लिया है जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो. जैसे कि ब्यूटी ब्लेंडर को हम ब्लेंड वेट करते हैं वैसे मैंने इस बलून को भी वेट किया है. हालांकि आई हैव नो होप्स विद दिस काइंड ऑफ ब्लेंडिंग, लेकिन लेट्स सी, फिर भी ट्राई तो करते हैं और इससे एटलीस्ट कंसीलर तो सही से ब्लेंड नहीं हुआ. मतलब आई कैन सी दी पैचेस जहाँ पे कंसीलर सही से ब्लेंड नहीं हुआ, जैसे कि इस आँख के पास एंड यहाँ पे भी. आई मीन आई डोंट थिंक, हालांकि इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट तो ऑब्जॉर्व नहीं हुआ है ऑफकोर्स, मतलब कि ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट तो हमारा वेस्ट नहीं हुआ है. वो ऐसा फेस लेके तो बाहर नहीं जा सकती, सही से ब्लेंड नहीं हो रहा है. थोड़ा बहुत हुआ बट नॉट दैट ग्रेट. एंड ऐसा गंदा सा पैचेस वाला फेस लेके बाहर जाना इज नॉट अ गुड थिंग. आई एम गिविंग दिस 2 out of 5. से थोड़ा सा ब्लेंड सही से कर लूँ, देन आई विल बी राइट बैक. आई एम यूजिंग दिस नॉर्मल ब्रश, इसके लिए मैंने कोई हाथ नहीं लिया, इसे मैं नॉर्मल. हैक नंबर 2 इज फॉर द आईब्रोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आईब्रो का कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं था, बट हाँ मैं आईब्रो कर लेती हूँ, देन आई विल बी राइट बैक एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द हैक नंबर 2. एज यू कैन सी आई हैव डन माय आईब्रोज. जस्ट यूज अस कॉम्पैक्ट. 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए वेट करती हूँ एंड देन आई. ओह नाइस, द ब्लैकनेस डजंट कम ऑफ. एंड मैंने इसमें नहीं किया है एंड अगर मैं इसे छूती हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथों में आ रहा है, बट इसको मैं जितना भी छू लूँ मेरे हाथों में कोई कलर नहीं है एज यू कैन सी. सो या दिस हैक्स वर्क्स फॉर मी. सो मैं इस आईब्रो को भी अच्छे से पाउडर कर लेती हूँ. हैक, आई एम गिविंग दिस हैक अ 4.5 out of 5 बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड हैक. अगर आप आईब्रोज करते हो सो आपके साथ ही होता है मेरा प्रॉब्लम कि आपके हाथ में अपने आईब्रोज को छुए ब्लैक ब्लैकनेस आ गई, सो इट डजेंट लुक नाइस. दी थर्ड हैक विच इज़ मैंने आपके आप पे, उसमें क्या होता है, उसमें उन्होंने पेंसिल कलर्स लेते हैं वो और उससे अपना आई लाइनर करते हैं. मतलब पेंसिल कलर से आई लाइनर कौन करता है? सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. सो इसीलिए मैंने एक क्लिप ऐड की होगी. इसमें तो कुछ नहीं हुआ.
इतना अच्छे से उसने वर्क नहीं किया जितना येलो कलर ने किया है. सो उससे यही इतना ही कलर आया जैसे कि आप देख सकते हो. बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड हैक, क्योंकि जो ये भी जो कलर आया अगर मैं इसे पास से देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा अनइवन सा है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है जैसे कि आप भी देख सकते हो. हालांकि इसने जो कलर दिया वो बहुत अच्छा, जैसे कभी कभी आपको फंकी कलर चाहिए हो अपने ऊपर, सो आप ये कर सकते हो. बट इट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग एंड ज़रा सा आपने अपनी आँख रब की एंड सब खराब हो जाएगा. सो आई डोंट रिकमेंड यू गाइज दिस, बट या फॉर सम टाइम इट लुक्स रियली वेरी नाइस. एंड सो दैट्स वाई एम गिविंग दिस अ 2 out of 5. एंड एक इसके साथ साथ एक और आई लाइनर हैक है जो मैंने देखा था. सो लेट मी फर्स्ट रिमूव ऑल दिस आई लाइनर. वॉट आई सॉ इज दैट वो जो हैं वो क्या करती हैं, वो अपने कंसीलर से एक आई लाइनर ड्रॉ करती हैं एंड उसके ऊपर कोई भी ड्राई आई शेडो लगाती हैं, वो उस कलर का लाइनर बन जाता है. सो आई एम ऑल्सो डूइंग दी सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट फाइंड आउट दी ब्रश वेयर इट इज. आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड कंसीलर. ये पर्पल लिया, ये पर्पल शेड ये वाला, एंड इसको लेके मैं इस स्मॉल मतलब इस से मैं वहीं पे रखूंगी. सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पर्पल शेड लगा लिया है, वैसे इट्स लुकिंग नाइस एंड आई थिंक तो थोड़ी देर बाद सूख भी जाएगा. सो लेट मी जस्ट कम्प्लीट दिस ऑन माई दिस आई ऑल्सो एंड आई बी राइट बैक. आई हैव डन विद माई आईज एंड इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस. सो अगर आपको कोई भी कलर चाहिए सो आप ऐसे कर सकते हो, बट या थोड़ी सी फिनिशिंग आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी क्योंकि आप एक प्रिसाइज ब्रश नहीं लगा रहे हो. एंड आई थिंक ये आई लाइनर अच्छा लग रहा है, इसको लगा के बाहर जा सकते हो. बट हाँ, आपको ध्यान रखना अपने आईज को रब नहीं करना, अगर आपने रब किया सो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा लास्ट करेंगे. आई एम गिविंग दिस हैक अ 4 out of 5 फ्रॉम माई साइड. सो लाउ जस्ट मूव ऑन टू आर नेक्स्ट हैक, बट सम ब्लश. सो for the blush today I'm going to use this red and this orange the same brush and usse main thoda sa brown shade lungi, ye thoda sa dark brown mein, I mean if you can see this dark brown, and isko lower lash line pe thoda sa upper lower lash line ko saath mein rakhenge thoda sa put together karne ke liye maine isko. सो उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ली है एक कैंडल जैसे कि अभी भी देख रहे हो और उसको लाइट किया है एंड उसको अपने आईलैश कलर में थोड़ा सा गर्म किया है, उसके बाद में आईलैशेस को कर्ल किया है. इससे क्या होता है, जैसे कि आप जब अपने बाल को स्ट्रेटन करते हो तो आपको हीट की ज़रूरत होती है ताकि आपके बाल स्ट्रेट हो सके, वैसे उन्होंने आईलैश कलर में किया. सो मैं एक आईलैश अपनी नॉर्मल अपने बिना हीट किए हुए करूँगी एंड दूसरी आईलैश को मैं आईलैश कलर से हीट करके करूँगी. सो लेट्स सी कि क्या डिफरेंस होता है, डज इट हैव इट वर्क्स और नॉट. जस्ट कर्ल माय आई दिस आई क्योंकि ये अभी बिल्कुल गर्म नहीं, नॉर्मल अपने टेंपरेचर पे है. सो मैं इसको आईलैश को कर्ल करूँगी एंड आई विल जस्ट काउंट इट फॉर एटलीस्ट 10 seconds. 1 करूँगी एंड फिर मैं ये ले रही हूँ कोलोसल का मस्कारा. सो लेट्स सी कि कौन सी आईलैश ज़्यादा अच्छे से कर्ल होती है. वाली आईलैश इतनी कर्ल हुई है, यू कैन सी मैंने ये लाइट कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा हीट करूंगी जैसे कि आप देख सकते हो फॉर जस्ट 2 seconds. 1 2 3 हां आई थिंक इतना गर्म नहीं है, एक बार टच करके देख लीजिएगा यूज करने से पहले. और ट्रस्ट मी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस हैक. एक्चुअली जब मैंने कर्ल किया था तब तो बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा था, आई मीन ज़्यादा वॉल्यूमस ये लग रहा है इससे ज़्यादा, बट अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता पाओगे. और जब मैंने मस्कारा लगा चुकी हूँ तो बहुत ही मतलब सिमिलर लग रहा है, आई मीन इधर थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लग रहा है. आई डोंट नो, आप अगर बता सको तो बताना, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली द डिफरेंस. बट सो मैं इसे 5 out of 5 मैं इसे 3 देती हूँ एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस. सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट हैक व्हिच आई सॉ इज अ रियली वियर्ड हैक. अपना लिप बाम लिया है, कोई सा भी आप लिप बाम ले सकते हो, आई मीन ऑफ कोर्स कलरलेस लिप बाम, एंड उसको एक नॉर्मल आई शेडो में रब करके उसको अपने लिपस्टिक लगाया. आई डोंट नो कि आई शेडो से लिपस्टिक कैसे वर्क करेगी, बट आई विल फॉर श्योर ट्राई दिस हैक. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस नाइका सीरियल किसर लिप बाम एंड आई एम इन दी शेड ग्रीन एप्पल. ये मेरे को मेरे बर्थडे मंथ में मिला था एज अ गिफ्ट. सो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये वाला पैलेट, वेट एंड वाइल्ड का रोज इन दी एयर पैलेट. एंड इससे मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ये पिंक वाला, एंड इसको रब करूँगी
एंड लेट्स सी कि ये लिपस्टिक का काम कैसे करता है। आई डोंट नो, बट ये कलर तो पिक भी नहीं कर रहा। आई मीन ऑफ कोर्स मेरा आईशैडो तो खराब हो रहा है, तो कलर तो कुछ आया है। इट्स सो ओह व्हाट द हेल इज दिस, एज यू कैन सी नीचे मेरे लग गया। सो आई डोंट थिंक सो दिस हैक विल वर्क। आई मीन आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, आई मीन गंदी सी लिपस्टिक, एंड प्लस आई शेडो भी खराब हो गया है। एज यू कैन सी ये देखिए कैसा हो गया, अजीब सा। सो आई डोंट थिंक सो दिस अ कम्प्लीटली ना फॉर मी, एंड मेरा फेस भी कितना गंदा लग रहा है इसको। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड जस्ट वाइप ऑल दिस। I hope you all like this video and find it more fun, interesting. So ये थे मेरे कुछ 5 minutes craft के testing out makeup hacks का video. अगर आपको पसंद आया हो, आपको पता है like, share और subscribe करना है। पसंद आया तो share ज़रूर करें and like भी बंद कर दें and comment down below if you really like this video and want some more such type of videos. अगर आपको video useful लगा and थोड़ी से भी interesting लगा, fun लगा, तो बहुत खुशी हुई and मिलते हैं हमारे next video में। Till then, bye bye guys, lots of love, stay positive and milte hain naye video ke sath. Till then, bye.